हेलो दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि डिजाइन इंजीनियर किस तरह से बना जा सकता है। आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं या इंजीनियरिंग खत्म कर चुके हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप डिजाइन इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हैं। देखिए, डिपार्टमेंट एक कंपनी में अलग अलग होते हैं, प्रोडक्शन का है, क्वालिटी का है, परचेज का है, अलग अलग डिपार्टमेंट, जिसमें एक डिजाइन का भी, जिसमें R&D एक वर्ड हम यूज करते हैं, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसमें हम अपना करियर बना सकते हैं और आने वाले टाइम में हमारे देशों में बहुत ज्यादा इसका स्कोप आने वाला है। तो आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यही एक डिपार्टमेंट है जो कि व्हाइट कॉलर जॉब आपको देता है, बाकी सारे डिपार्टमेंट में आपको व्हाइट कॉलर जॉब नहीं मिलेगी। यही एक डिपार्टमेंट है जो आपको व्हाइट कॉलर जॉब दे सकता है, ठीक है। हमारे पास डिजाइन इंजीनियर दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है CAD डिजाइनर, एक होता है प्रोडक्ट डिजाइनर। जो प्रोडक्ट डिजाइनर है वो एक मेन रोल अदा करता है और प्रोडक्ट डिजाइनर की हमारे पास बहुत कमी है, हमारे देश में बहुत ज्यादा कमी है। मानोगे, देखिए, हमारे देश में जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उसका मोस्टली जो डिजाइन हो रहा है वो फॉरेन से होके आता है। जापान से, मान लो कि आपकी कोई कंपनी है, आप एयर फिल्टर बना रहे हैं और उस एयर फिल्टर का डिजाइन जो एक्चुअल में बन रहा है वो जापान में बन रहा है। यहां सिर्फ हमें आदेश दिए जा रहे हैं कि किस तरह से आपने बना देना है, ठीक है। और वो प्रोडक्ट इंजीनियर कहां बैठे हैं? वो बैठे हैं जापान में। हमारे देश में इस चीज की बहुत ज्यादा कमी है, ठीक है। और प्रोडक्ट इंजीनियर की कमी क्यों है? देखिए, प्रोडक्ट इंजीनियर की क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए? पहली, थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत ज्यादा चाहिए आपको, बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज, जिसमें आप मशीन डिजाइन जैसे सब्जेक्ट है, टॉम है, सोम है, FM है, इसके सारे बेसिक्स आपको आने चाहिए। हमारी प्रॉब्लम ये आती है कि हमें अगर बेसिक्स नहीं आते, जैसे मान लीजिए कि फ्लूइड वाला है, यही एयर फिल्टर की बात कर रहा था, तो एयर फिल्टर में जब क्या होता है कि एयर फ्लो करती है तो किस तरह से वो फ्लो करेगी, उसमें बर्नौलीज थ्योरम भी लगनी है, ठीक है, उसमें फ्लो की इक्वेशंस भी लगनी है। और अगर हमें वो बेसिक इक्वेशंस ही नहीं आती हैं तो हम कैसे प्रोडक्ट इंजीनियर बन सकते हैं? तो इसलिए ये प्रॉब्लम आती है कि थ्योरेटिकल में हमारी नॉलेज की कमी के कारण ये दिक्कत आती है। और जो भी इस लाइन में आगे बढ़ना चाहता है, प्रोडक्ट इंजीनियर बनना चाहता है, और उसको एक बार बता दूं, ये नॉलेज इकट्ठी कर लो बहुत ज्यादा, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट इंजीनियर को इवन ISO, ठीक है, स्टैंडर्ड्स, जो अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं, उस स्टैंडर्ड्स की सारी नॉलेज होनी चाहिए। हर मशीन, जैसे CNC है, आजकल मशीनें जो चल रही हैं, जो CNC मशीन है उसकी वर्किंग के बारे में पता होना चाहिए। प्रोडक्ट इंजीनियर को ये सारी नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा टॉलरेंसेस, GNT, इसकी नॉलेज आपको, ये सारी नॉलेज चाहिए। और देखिए, दूसरी तरफ आते हैं CAD इंजीनियर की तरफ। CAD इंजीनियर वो करता है जो कि प्रोडक्ट इंजीनियर उसे करने को बोलता है। प्रोडक्ट इंजीनियर ने उसे एक ड्राइंग तैयार करने के लिए बोलना है कि ये आप तैयार करेंगे ड्राइंग, और वो वाली ड्राइंग तैयार कौन करेगा? CAD इंजीनियर तैयार करेगा। प्रोडक्ट इंजीनियर और CAD इंजीनियर में ये डिफरेंस है, एक तरह से CAD इंजीनियर हमारे पास एक ड्राइंग, एक उसकी शेप बना के दे रहा है सिर्फ, लेकिन हमारे पास प्रोडक्ट इंजीनियर है उसकी सिमुलेशन करके दिख दे रहा है। सिमुलेशन का मतलब क्या है इसमें? कि उसके ऊपर फोर्सेस कौन से लगेंगे, स्ट्रेस कौन से लगेगी, वो सारे एनालिसिस, जैसे हम करते हैं ना मशीन डिजाइन में, कि ये एरिया कितना रखना है ताकि ये टूटे ना, ये टेंसाइल में आएगा, ये शियर में आएगा, तो ये सारी जो चीजें हैं वो कौन करते हैं? प्रोडक्ट इंजीनियर। इसको बोलते हैं SEA, सिमुलेशन करनी होती है। तो सिमुलेशन में हमारे पास एक्चुअल में जो इसके ऊपर फोर्सेस लगेंगी, वो वाली फोर्सेस किसके थ्रू देखते हैं? एक सॉफ्टवेयर के थ्रू देखते हैं। अलग अलग सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो बड़ी कंपनी है, MNC कंपनी है, वो मोस्टली ANSYS यूज करती है। जो ANSYS सॉफ्टवेयर है वो थोड़ा महंगा है, कॉस्टली है, और काफी पुराने मार्केट में बना हुआ है, काफी टाइम से मार्केट में बना हुआ है। और ये ANSYS सॉफ्टवेयर अराउंड 60 लाख के आसपास ये इसका कॉस्ट पड़ता है, तो इसलिए छोटी कंपनी इसको नहीं ले पाती है। तो इस छोटी कंपनी जो, वो सॉलिड वर्क्स में काम करती है, ठीक है, सॉलिड वर्क्स में काम करती है। वो जो एनालिसिस है ना, वो हम कर सकते हैं, सॉलिड वर्क्स में भी कर सकते हैं, ANSYS में भी कर सकते हैं, इनके क्रैक वर्जन भी नेट से मिल जाते हैं। तो एज ए स्टूडेंट अगर आप सीखना चाहते हैं तो ये चीजें आप सीख सकते हैं।
और आपको बताऊं, अगर आप स्टूडेंट हैं अभी और आप चाहते हैं कि मैं जॉब लेना चाहता हूं, फर्स्ट जो इंटरव्यू दूं और मैं क्लियर कर दूं, ठीक है, एक मैंने वीडियो बना रखी है कि मैंने इंटरव्यू के बारे में टिप्स दिए हुए हैं, वो मैं ऊपर लिंक दे रहा हूं, आप वो क्लिक करके इसको देख सकते हैं, और एंड में आपको थंबनेल दे दूंगा, वहां पे भी आप देख सकते हैं। अपने आप को अगर अलग से दिखाओगे तो ज्यादा बेनिफिट है। देखिए मैं एक बात बताऊं, इंटरव्यू देने के लिए आपके साथ मान लो 100 लोग हैं, लेकिन आपके जो रिज्यूमे हैं उसमें कुछ अलग चीज है। कुछ अलग चीज क्या है, आपने अलग अलग सॉफ्टवेयर सीख रखे हैं, आपको सॉफ्टवेयर की अलग अलग नॉलेज है। देखिए डिग्री सारे उनके पास है, डिप्लोमा सबके पास है, लेकिन एक स्टूडेंट ऐसा आता है जिसको सारे सॉफ्टवेयर की भी नॉलेज है। मेरे पास 99 स्टूडेंट वो आ रहे हैं, सबके पास डिग्री है, सबके पास ये नॉलेज है, ठीक है, आपके पास नॉलेज भी है प्लस आपको सॉफ्टवेयर भी आता है। तो सिर्फ ये नहीं है कि हम बेसिक सीख लें, इसमें कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, सॉलिड वर्क्स में, एंसिस में कोई लिमिट नहीं है। अगर आप सीखना चाहते हैं चीजें तो आपके लिए फ्यूचर पड़ा है, आने वाला फ्यूचर यही है। आने वाले फ्यूचर में हम यहीं से हम चाहते, देखिए हमारा काम जो होता है ना, अगर आप इंडिया में हैं और बाहर से काम करवा रहे हैं, फॉरेन से काम आ रहा है, तो वो बहुत महंगा पड़ रहा है, पर आर के हिसाब से बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाता है, वहां पे कॉस्टली पड़ जाता है वो काम करना। अभी इंडियन कंपनी चाहती है कि ये सारा काम जो हम बाहर से करवा रहे हैं वो इंडिया में ही हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन उन्हें प्रोडक्ट इंजीनियर मिल नहीं रहे हैं। तो अगर आप प्रोडक्ट इंजीनियर बनते हो तो आने वाला फ्यूचर बहुत ही अच्छा होने वाला आपका, ठीक है, आप कंपनी में जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा आपको लगता है कि नहीं सर मैं कंपनी में नहीं जॉब करना चाहता, अगर मैं खुद का काम करूं तो बहुत अच्छा है। आने वाला टाइम में फ्रीलांसिंग का टाइम आएगा, कि फ्रीलांसिंग लाइक कि आप वेबसाइट में गए, वहां पे आपने डाला कि मैं काम करना जानता हूं, ठीक है, ये काम मैं जानता हूं, दूसरी कंपनी वाले आपके साथ कॉन्टेक्ट करेंगे, उस वेबसाइट के थ्रू आपको काम देंगे, अगर आपने वो काम किया तो वही पेमेंट आपके अकाउंट में आती है सीधी, और आप किसी के अंडर नहीं है, आपका कोई बॉस नहीं है, आपको काम आता है, आप सीधा सीधा काम ले रहे हो, वो आपसे काम करवा रहे हैं, और फॉरेन से अगर आता है तो अच्छी उसके वैल्यू भी मिलती है। तो इसलिए अगर आप डिजाइन इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आज से ही अपनी नॉलेज गेन करना शुरू करिए, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज बढ़ाइए अपनी, अलग अलग सॉफ्टवेयर सीखने की कोशिश करो, स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे हम स्टार्ट कहां से करते थे, ऑटोकैड से, ठीक है, हमारे टाइम में ऑटोकैड सबसे ज्यादा फेमस होता था। तो आप देखिए आपको कौन सा सॉफ्टवेयर अच्छा लगता है, ऑटोकैड अच्छा लगता है, कैटिया प्रो ई अलग अलग हैं, ठीक है, सॉलिड वर्क्स है, सबसे ज्यादा मैं कहूंगा सॉलिड वर्क्स में अगर आप काम सीख सकते हैं तो इससे ज्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकता। सॉलिड वर्क्स मोस्टली कंपनियों में आता है, स्मॉल स्केल मीडियम स्केल इंडस्ट्री जो होती है, ठीक है, तो वो इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है हमारे पास, ठीक है, MNC नंबर्स में है हमारे पास, और जो ये छोटी कंपनियां ये ज्यादा है, तो ज्यादा जहां यूज हो रहा है वो सॉलिड वर्क्स। और एक बात, दो तरह का काम है हमारे पास, देखिए हमारे पास एक है MNC कंपनी, एक है हमारे पास स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अगर आपको MNC में नहीं काम मिलता, ठीक है, आपको लगता है कि मैं तो सिर्फ MNC में ही काम करूंगा, अगर आपको नहीं मिलता तो आप स्मॉल स्केल में एंटर करें, ज्यादा अच्छा है। देखिए MNC में उनके पास हर काम के लिए एक अलग बंदा होता है, जैसे वो हमारे पास एक डिपार्टमेंट बन गया, उन्होंने मान लो 20 बंदे रख लिए डिजाइन इंजीनियर के लिए, तो एक काम एक बंदा करेगा, दूसरा काम दूसरा बंदा करेगा, हर काम के लिए एक बंदा होगा, वो अलग अलग काम जो है वो अलग अलग बंदा करेगा। लेकिन हमारे स्मॉल स्केल में क्या होता है, स्मॉल स्केल में एक ही बंदे को सारा कुछ करना पड़ता है, ठीक है, मैं मानता हूं इसके कारण बोझ आता होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा टेंशन होती होगी, लेकिन इसमें सीखने को बहुत कुछ मिल जाता है, क्योंकि एक तरह से ये कह लिए कि आप सब कुछ संभाल रहे हैं, ठीक है, सब कुछ संभाल रहे हैं, उस 20 बंदों का सबका काम सीख रहे हैं। जब यहां पे सीख लेते हैं ना तो हमारे में पावर आ जाती है कि हमें कुछ आता है। लेकिन हमें MNC में ये दिक्कत आती है कि एक काम मिल गया उसी का आप कर रहे हो लगातार, ठीक है, बाकियों को देख भी नहीं रहे हो, तो वहां पे ये दिक्कत है। ये नहीं मैं कहता कि अगर MNC मिल रही है तो छोड़ दो उसे, ठीक है, नहीं, आपके पास MNC का ऑप्शन है, आप जा सकते हैं, लेकिन इसका अलग से बेनिफिट बता रहा हूं। अगर आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में हैं या जा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है,
एक्चुअली उल्टा ज्यादा सीखेंगे आप। तो ये था डिजाइन इंजीनियर आप कैसे बन सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं और बता सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच।